खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश में आज सभी मॉल्स खुल चुके हैं। राजधानी में करीब 75 दिन के बाद में मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खुले। गौरव टावर और WTP मॉल पर इक्का दुक्का ग्राहक पहुंचे। पहले दिन दुकानदार साफ सफाई और सजावट करते हुए नजर आए। थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क के बाद ही मॉल्स में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम प्रोटोकॉल्स का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। और अभी धीरे धीरे सब शॉप खुल रही हैं, सब चाहे बंद हैं तो सब अपनी क्लीनिंग वीनिंग अब सब काम कर रहे हैं। यहाँ तक एक दो दिन में सबूशन आ जाएगा। ग्राहकों का भी काफ़ी दिन से ध्यान था, काफ़ी दिन से ईगर थे कि कब से उनका फेवरेट मॉल वापस चालू होगा। प्रदेश में कुल 75 दिन के बाद में करीब 75 दिन बताए जा रहे हैं, जिसके बाद में आज शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स खुलने की रियायत यहां पर दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप राजधानी के गौरव टावर और WTP मॉल की तस्वीरें। पहले दिन इक्का दुक्का ग्राहक पहुंचे। वहां पर दुकानदारों ने ज्यादा समय सफाई और सजावट में ही बिताया अपना। हालांकि थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क के बाद ही यहां पर ग्राहकों को प्रवेश दिया जा रहा है। ये रूल्स हैं, ये एडवाइजरी में पहले ही जारी कर दिया गया था। बिना थर्मल स्क्रीनिंग के और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद टेम्परेचर सही पाए जाने पर ही। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हनुमंत सिंह चारण फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हनुमंत, आज 8 जून के बाद में रियायतों का जो दायरा है वो बढ़ गया है। प्रदेश में मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खोले गए हैं, क्या तमाम गाइडलाइंस यहां पर फॉलो करनी होगी और प्रोटोकॉल क्या रहेगा फिलहाल? जी जयंती, बताना चाहूंगा कि मॉल को लेके जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी उसके मुताबिक यहाँ पर राजधानी के भी सभी बड़े मॉल है वो खोल दिए गए हैं जी। और साथ ही कस्टमर भी हालांकि इक्का दुक्का पहुंच रहे हैं मॉल के अंदर। जो शॉप है उसमें आज कई शॉप पर साफ सफाई का भी दौर चला, तो कहीं शॉप पर लोग कस्टमर खरीदने के लिए भी पहुंचे। बाकी गाइडलाइन की बात की जाए तो बकायदा जो है कस्टमर की एंट्री है, सबसे पहले जो है आपको थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा, मास्क के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वहाँ पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अंदर तमाम तरह के जो अगर बात की जाए राजधानी के सबसे बड़े मॉल WTP की, तो वहाँ पर बकायदा स्टाफ है जो स्कैनिंग करे वो PPE किट में मौजूद है। पूरी तरीके से प्रिकॉशन है जो उसका फॉलो किया जा रहा है। कई तरीके की जो सरकार की तरफ से जो हिदायत दी गई है, कस्टमर को भी बकायदा वहाँ पर एंट्री की जा रही है, ट्रेवल हिस्ट्री नोट की जा रही है ताकि संक्रमण न फैले। वहीं दुकानदारों के जो शॉप है अंदर, मॉल है, मॉल के अंदर जो कई तरह के शोरूम है वहाँ भी लगातार जो है स्कैनिंग की जा रही है, बकायदा थर्मल स्कैनिंग, फिर मास्क लगाया हो तो ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर भी ऐसा रखा गया ताकि किसी प्रकार का टच नहीं हो। इसके अलावा जो टचिंग पॉइंट है उनको भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट पर जो है जोर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की संक्रमण का जो खतरा है वो न रहे। जी जी जी, कैशलेस इस पूरी प्रक्रिया को बनाया गया है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं आवश्यक भी है हनुमंत अभी, क्योंकि टच यहाँ पर ना हो उससे संक्रमण फैलता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।